कहते हैं जिस चीज़ को दिल से मांगा जाए वो हमेशा तुमको मिलता है, लेकिन हमको यही नहीं पता रहता कि वो हमारे साथ कितनी देर रहेगी। #theend। अरे भाई वीडियो चालू तो करो। क्या वीडियो चालू ही नहीं हुई? ब्रो भाई बर्रा तस्वीर भाई जान, स्वागत है तुम्हारा पोकेमोन ओमेगा रूबी के कॉर्नर एपिसोड में, जहाँ पे लास्ट एपिसोड, एक मिनट, लास्ट एपिसोड देखा ना? क्या यार, जाओ जाओ देख के आओ, आई बटन में लिंक है। सो आज सबसे पहला जो काम करना है हमको जाना है रिक्वाजा को पकड़ने। यस ऑफ कोर्स रिक्वाजा। ओ भाई आजा आजा मेरे पास यार आजा। चलो ठीक है, रिक्वाजा को देखते हैं कितने वॉल्स लगेंगे, क्योंकि हमने अपना मास्टर वाले ग्रोडॉन पे खत्म कर लिया एंड यहाँ पे हमको रिक्वाजा पकड़ना है। वेल आई थिंक सो ज्यादा बॉल नहीं लगने चाहिए यार, कितने काफी रहेंगे, 50 60? मैं 60 या 70 मैंने खरीदा था शायद से। वेल मैं यहाँ थंडर यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये 70 लेवल का है, मेरे सारे पोकेमॉन 50-57 तक के ही है। आई डोंट नो कि ये मेरे सारे टीम को भी खत्म कर दे, तो थंडर तो इस पे मतलब इसको हराएगा नहीं, इतना मुझको पता है। एक मुंह में तो ये पक्का नहीं हारेगा। ओ फ्लाई नहीं, अरे इसने फ्लाई किया, इस पे थंडर का असर होगा वो भी ज़्यादा। ओ ओ भाई बच गया, पैरालाइज हो गया, बच गया भैया। मुझको लग रहा था कि ये हार ना जाए यार, दिक्कत हो जाती। ओके ठीक है, एक और थंडर क्योंकि ये हारा नहीं। एंड या कॉस भाई, अब इससे ज़्यादा परफेक्शन नहीं आ सकता, मतलब बिल्कुल इससे ज़्यादा परफेक्शन आ ही नहीं सकता। मुझको तो लगता है अब ये सेकेंड या थर्ड बॉल में ही पकड़ा जाएगा। वेल लेट्स सी हमारा पोकीबॉल। यस यहाँ रहा भाई, हाँ कब कब आ रहा है भाई, आ जाओ यार रिक्वाजा। क्या फेंके हम लोग, अल्ट्रा नीट प्रीमियर बॉल, या प्रीमियर बॉल। ऐसे मेरे पास ये आया कहाँ से, मैंने तो इसको परचेज किया नहीं था। आई डोंट नो, प्रीमियर बॉल बॉल तीसरा, एंड वी कॉट इट फर्स्ट बॉल में रिक्वाजा। इज दैट अ जोक मैन, सीरियसली फर्स्ट बॉल में? ओ भाई साहब आई डिडंट एक्सपेक्टेड, मतलब फर्स्ट बॉल में कैसे यार एक प्रीमियर बॉल, ये कैसे? ओ भाई छोड़ो, इसको मैं निकनेम देने वाला हूँ। एंड इसका निकनेम हम क्या दें, आई थिंक सो व्हाट अबाउट राका, या डैट इज परफेक्ट मैन, राका राका। ओ भाई बिल्कुल उसी तरह लगता है भाई, फर्स्ट बॉक्स में मुझको ट्रांसफर तो इसको नहीं करना भैया, मुझको फिर जाना पड़ेगा। ओ भाई रिक्वाजा विशेस टू ज्वाइन योर पार्टी। रिक्वाजा तुम मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हो भैया? मैं भी यही चाहता हूँ, तुम डोज के जगह पे आ जाओ। वेल डोज दिया तो हम फिर से जाएंगे कैसे वापस? चलो कोई बात नहीं, वो देखा जाएगा, बात का बात है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ड्रैगन को भेज के एक ड्रैगन को ला रहा हूँ। यस हम डोज को भेज रहे हैं एंड रिक्वाजा को ला रहे हैं, अपने राका को ला रहे हैं। राका भैया आ जाओ। ओके क्या ये खत्म हो गया? कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहन एंड थैंक यू, इतिहास ने तुम्हें चुना है। सच्चाई ये है कि रिक्वाजा ने तुम्हें चुना है, ना कि मुझे। लेकिन मुझको नहीं पता कि मैं इसको बातों में कैसे लाऊं एग्जैक्टली। आई थिंक मैं समझ गई क्यों, तुम हमारे लंबे हिस्ट्री के अब सक्सेसर होगे और मैं तुमको फाइनल की देती हूँ रिक्वाजा का ट्रू पावर, वो मूव जो कि सिर्फ रिक्वाजा सीख सकता है, ड्रैगन एसेंट। ओ भाई ड्रैगन एसेंट, एक ड्रैगन टाइप मूव होगा, कोई स्पेशल टाइप जिसका 150 या 180 डैमेज होगा, या क्योंकि रिक्वाजा के स्पेशल मूव है तो कुछ खास होना चाहिए उसमें। ओके राका को मिल गया, मतलब शायद से उसने सीख लिया वो मूव। दैट इज इट देन, आई गेस ये टाइम है मेरा लास्ट टास्क करने का लो कीपर के रूप में। तुमने रिक्वाजा का पावर खुद के लिए लिया है, नाउ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे प्रूव करो कि तुम उस पावर के लायक हो एक बैटल से। और ये फाइनल है, फाइनल ड्यूटी लास्ट रेकोनाइट पीपल की लोरी कीपर, तुम मुझे दिखाओ कि तुम उसके काबिल हो जो हिस्ट्री को हम आज तक चला रहे हैं। प्यू मेरा पल्स, मैं उसको दौड़ते हुए महसूस कर सकती हूँ। यस मैं पूरी जोश से भरी हुई महसूस कर रही हूँ। दिस इज इट। ओ भाई साहब तुम एक बार उसका फेस देखना पीछे जाके, मतलब वो पिंकिश ग्लो, वो पता नहीं क्या है, मतलब क्यों तुम हमसे क्यों जर मार रही हो, मतलब क्यों यार। छोड़ो उन बातों को, उनमें कुछ नहीं रखा गया फिलहाल। इसके पास है गुडरा, इसका पहला पोकेमॉन। एंड यस ये जीनिया जो है एक ड्रैगन टाइप ट्रेनर है, तब तो इसकी वाट लग गई भाई। राका है ड्रैगन के खिलाफ, ड्रैगन सुपर इफेक्टिव होता है।
वेल, एक चीज तुम गौर करना, यहाँ पे ड्रैगन एसेंट है, ये एक फ्लाइंग टाइप मूव है ऑफ कोर्स। चल मैं तुमको वो लास्ट में दिखाऊंगा उसका सीन, वैसे तो पहले तुम देख लो कि मेगा रेक्वाजा कैसा दिखता है। यस, मैं तुमको ज्यादा वेट नहीं करवा सकता यार, एंड मैं खुद वेट नहीं कर सकता। एंड दिस इज इट, टाइम्स आर ओवर। इतना लैग मत हो, ओ भाई साहब, मेगा रेक्वाजा, ओ मैन, मतलब आज इसको अपने गेम में महसूस करके यहाँ पे लाके मतलब कुछ अलग सी फील आ रही है भाई साहब। इसकी एबिलिटी डेल्टा स्ट्रीम, दैट वाज नॉइस मैन। ओके भाई, ड्रैगन पल्स, ओके पहला मूव में जाता यार, ये तो फिक्स है, मतलब रेक्वाजा हमारा राका। अरे भैया ये तो कमाल लेवल, पता नहीं आज मैं इतना हाइप्ड क्यों, मतलब कुछ ज्यादा ही मैं हाइप्ड हो रहा हूँ। वेल नेक्स्ट इज टायरेंटरम, जो भी है टायरेंटरम, इसको भी एक हम मूव में हरा देंगे क्योंकि ये भी एक ड्रैगन टाइप मूव है। एंड भाई जीनिया के पास तो सारे ड्रैगन टाइप ही मूव है। वेल अब मुझको वो देखना है ड्रैगन एसेंट, वो कैसे करता है भाई। लेकिन मैं रियली उसको एक ड्रैगन टाइप मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो तो एक फ्लाइंग टाइप मूव निकला। वेल लेट्स सी इसके पास कितना पोकेमॉन है, क्योंकि मैं उसको लास्ट में करने वाला हूँ। यहाँ पे इसका अल्टारिया आ रहा है, एंड आई डिडंट थिंक मुझको चेंज करना है भाई, बिल्कुल भी मुझको चेंज नहीं करना। ओके 60 लेवल का अल्टारिया, जिसपे हम लोग करेंगे ड्रैगन पल्स, एंड एक और ड्रैगन पल्स, एक और खल्लास होगा ही, क्यों फिक्स है। रेक्वाजा भैया कमाल है, यस ये बेमिसाल है। एंड ये पूरा स्टॉर्मी जो माहौल किए हुए ना, ये तो इसके लिए परफेक्ट है, मतलब रेक्वाजा के लिए परफेक्ट है। ओके नोवर, इसके लिए भी हम चेंज नहीं करेंगे भाई। मैं पता नहीं एक जगह बी, बी के जगह ये क्या क्लिक कर रहा हूँ मैं आज, क्यों। ओके एक और ड्रैगन पल्स, एक और पोकेमॉन जाएगा, फिक्स है, फिक्स है, मतलब 100 रुपए की बासी लगा लो तुम। या एक और मूव, एक और पोकेमॉन गया, एंड अब बारी है लास्ट मूव की, मतलब लास्ट पोकेमॉन की, जिसपे हम लोग करेंगे ड्रैगन एसेंट। भाई मुझको देखना है कि कैसे होता है वो। सेलेवन से लास्ट पोकेमॉन, नहीं भाई मैं क्यों कर रहा हूँ ये चेंज, क्यों कर रहा हूँ मैं। वेल सेलेमेंस इंटरमीडिएट एबिलिटी, मतलब हमारा अटैक फेल हुआ है। ओके लेकिन मैं ऐसा अटैक करने जा रहा हूँ, शायद से ड्रैगन एसेंट एक ऐसा अटैक है। वेल आई एम गोइंग विथ ड्रैगन एसेंट, एंड ओ भाई इसका मेगा इवोल्यूशन, यस अभी तुमको देखने वाला है मेगा सेलेमेंस। ओ भैया हाथे कहाँ गई तुम्हारी। या मेगा सेलेमेंस की हाथे रहती है, मुझको नहीं पता। वेल ड्रैगन एसेंट, ओ भाई साहब ये गया रेक्वाजा अंतरिक्ष की ऊंचाइयों में, एंड यहाँ से उसने तीर फेंका, एंड यहाँ पे सेलेमेंस कल्लास, दैट वाज अ क्रिटिकल हिट। चारी सेलेमेंस की तो लग गई यार। ओके यहाँ पे हमको मिला 35,000 EXP, बहुत ज्यादा है ऑफ कोर्स। एंड इसी के साथ हमारा तूफान पहुंच चुका है 59 लेवल पे, एंड लेट्स सी लूकीपर ज़ीनिया का क्या हाल होता है अब, मतलब कैसा रिएक्शन रहता है अब। वेल ज़ीनिया मैडम थोड़ा चेहरा तो दिखाओ, इतना दूर से दिख नहीं रहा। ओके हाँ बताओ क्या हाल चाल है आपका, देखते हैं। आई गेस अब ये बात तुम पे आ गई है। ओ भाई ये म्यूजिक, मतलब सुन के मजा आ जाता है यार। रोहन तुमको उस मीटियोर को अपने प्लेनेट से पहुंचने से पहले ही तोड़ना होगा, तुमको और रेक्वाजा को साथ में। मैं इस टास्क को तुम पे छोड़ रही हूँ, अपने नए सक्सेसर पे, सक्सेसर रोहन। तुमको और रेक्वाजा को नेचर पोकेमोन और लोगों को बचाना होगा। ओके ज़ीनिया तुम चिंता मत करो यार, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपनी जी जान लगा देंगे दुनिया को बचाने के लिए। यस ऑफ कोर्स, वेल लेट्स सी। ओके ओ भाई हमने सूट पहन लिया, हाँ हम आउटर स्पेस में अगर जाएंगे तो बिना सूट के थोड़े ना जाएंगे यार, मतलब क्या ही है, थोड़ा साइंटिफिक भी गेम है ये, अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो राका मेरे दोस्त, मेरे पाई, हम दोनों को दुनिया को मिलके बचाना है। यू नो वर्ल्ड, इसमें चाहे तो हमारी जान चली जाए। नहीं नहीं जान कुछ ज़्यादा हो जाएगा। वेल चलो चलते हैं भाई रेक्वाजा, चलो चलते हैं हम लोग अंतरिक्ष की यात्रा पे, एंड लेट्स सी भाई अब क्या होगा। आई एम टू एक्साइटेड यार, तुम लोग ने मुझको बहुत ज़्यादा हाइप्ड कर दिया यार, चलो ठीक है। वेल देखते हैं। ओ भाई पहुँच गए अंतरिक्ष में, दिस इज़ रियली कलरफुल भाई यार, हर तरह के कलर हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, एंड दिस इज़ आवर अर्थ, ओ माई गॉड, एंड इतने छोटे से हम यार। ओके लेट्स सी भाई रेक्वाजा, हम तो पीछे बैठे हुए थे, हम आगे कैसे आ गए, ओ मेगा इवॉल्व। चलो ठीक है आगे चला जाए भाई। ये रेक्वाजा ना बिल्कुल एरो की तरह लग रहा है, मतलब उसके पीछे वाला जो टेल है वो बिल्कुल सीधा हो गया। ओ भाई ये ही है मीटियोर। ओके रेक्वाजा ठीक से, रेक्वाजा, ओ भाई अब क्या होगा, व्हाट व्हाट, यहाँ इधर, ओ भाई ओ ओ भाई हम बचे कि नहीं बचे। मीटियोर तो गया शायद, या मीटियोर गया, हम बचे कि नहीं बचे भैया, हम तुम्हारे सामने में थे यार। ओके यहाँ शायद से कुछ और हो रहा है,
व्हाट इज दिस? दिस इज अ ट्रायंगल शेप का कुछ है। ओ भाई साहब ये कुछ है भाई, ये UFO एलियन ये क्या है? ओ भाई साहब व्हाट इज दिस? वैसे तुम लोग ने तो मुझको बता दिया था, लेकिन लेट मी जस्ट कंफर्म कि क्या ये यही है। यस यस ये वही है। यू नो व्हाट, दिस इज एक्चुअली डियोक्सिस द एलियन पोकेमन। ओ भैया, ओ भाई साहब अखी, अब हमको क्या करना है? मत करना भाई, यार इसने तो डरा दिया यार। लेट्स सी, बैटल तो नहीं करना, कॉस नॉट नहीं करना होगा, या फिर करना होगा। डिऑक्सिस एपियर, ड्राका भी निकल गया यार। कौन बोला तुमको निकलना? मैं बोला तुमको डिऑक्सिस 80 लेवल का है। ओ भाई साहब ये राका यूनिवर्स में स्ट्रीम कैसे चला दिया, हुआ तो हवा ही नहीं होती। ओ भाई दिस टाइम मुझको लगता है हमको ड्रैगन एसेंट करना चाहिए, क्योंकि वो 80 लेवल पे है। मुझको नहीं लगता वो हारेगा, या फिर शायद वो हमको हरा दे। ओ मैन ओके, ओ भाई साहब बच गए, बच गए। चलो ठीक है, मैं इसको पकड़ना चाहता हूँ। लेट्स सी यार, नहीं ही हारेगा, वैसे ही बहुत पावरफुल होना चाहिए वो। ड्रैगन एसेंट एरो निकला, व्हाट एक मूव विदाउट क्रिटिकल हिट। यार क्रिटिकल हिट भी नहीं था, फिर ये हार कैसे गया? सीरियसली मतलब एक क्रिटिकल हिट भी नहीं लगा उसको, मतलब क्यों यार? मैंने तुम्हारे अरमानों पे पानी फेर दिया। तुम लोग ने कमेंट में बहुत ज़्यादा बोला था कि डिऑक्सिस को पकड़ लेना, बट यार मैं क्या करता हूँ, सीरियसली मैंने मास्टर बॉल पहले क्यों ख़त्म किया यार। वेल पहले स्टोरी पे थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके यहाँ पे विस्मर है, और तुम्हारी मैडम जी कहाँ है? यस तुम्हारी जीनिया कहाँ है? या देखते हैं। ओ हमको एस्टर से एक लेटर मिला, ओके लेकिन जीनिया कहाँ है यार? एस्टर ये तो चला गया, और लेटर को पढ़ना कैसे है? ओके मैं फाइनली हर चीज़ को ख़त्म कर पाई, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आई थिंक अब मैं थोड़ा सा टाइम बिता सकती हूँ और ढूंढने की कोशिश कर सकती हूँ जो कि पॉसिबल है, बिगनिंग को भूल जाना, ताकि कोई चीज़ फिर से खो जाए जब तक हम नहीं मिलते हैं जीनिया। एक्चुअली इसका कुछ और मीनिंग है यार जीनिया। आई नो यार तुम्हारी फीलिंग्स को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता यार। मतलब इस लाइव वीडियो में कौन रोएगा? मतलब मैं नहीं रोने वाला, देखो मैं नहीं रो रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। वेल चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लिया जाए। ओ हाँ मीटियोराइट टूट चुका है मैडम जी, ठीक है अब तुम लोग खुश हो जाओ। और भाई ये मतलब यही वो सबसे डरपोक प्रोफेसर था जो उस साइड में बैठ के मतलब क्या ही कर रहा था, ये बहुत डरपोक था। अभी इसकी उत्साहिकता तो देखो, मतलब मैं तुमको सिंपली बताऊँ ना, इस आदमी का डिस्क्रिप्शन ये कुछ ज़्यादा ही जोशीला है। मतलब उस वक्त ये डरा हुआ था इतना जोश में, एंड यहाँ भी इतना खुश है। वेल जो भी है या चलो ठीक है, दूसरा स्टोरी यहाँ वोली है। ओ वली अब तुमको तुम्हारा कीस्टोन मिल जाएगा बाबू, यार डरना मत प्लीज़। वैसे बली अब बहादुर हो गया, मतलब इसका आवाज़ तुमने देखा ही होगा पिछले कुछ एपिसोड्स में। यस ऑफ कोर्स, एंड अब इसके पेरेंट्स खुश होंगे कि अब वली थोड़ा सा बहादुर हो गया इसका बेटा। देखो यह अंकल मुझको पता है यार, मुझको धन्यवाद देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। ओके चलो दूसरा सीन देखते हैं अब। ओ भाई यहाँ टीम मैग्मा है, एंड कन्या, इसका नाम कन्या है। इस कन्या, ओ भाई साहब ये तबीता जो भी था इसका नाम, शायद मैं नाम ही भूल जाता हूँ यार, एंड वो पक्का लीडर मैक्सी है। वेल क्या बात कर सकते हैं। ओ नहीं उसने फिर से दुनिया को बचा लिया, मुझे मरने का मन था। ओ भैया मरने का मन था तो मर जाओ। ओके यहाँ पे लेट्स सी भाई ये कॉर्निया, देखो अभी मैं बता रहा हूँ ये लड़की भी मेरे चक्कर में पड़ी होगी पक्का पक्का, ये उदास है। मतलब यार मैं नहीं मिल पाया किसी को, अब मैं तुमको क्या ही एक्सप्लेन करूँ, मतलब यार अब मैं इतना भी कुछ खास नहीं सिंचन। ओके चलो ठीक है भैया, और कुछ हाँ तुम अगली बार कर देना, पूरा दुनिया को ख़त्म कर देना तुम, ठीक है लेकिन हमारे जाने के बाद। यस वेट वेट वेट, हो सकता है हमारे जाने के बाद हमारा कोई वंशज मतलब छोटा रोहन मैं मजाक कर रहा हूँ यार। वेल यहाँ पे स्टीवन एंड सूतोपॉल का जिम लीडर जो भी नाम था, विलास वलसी जो भी नाम है इसका, ये लोग फिर से कुछ सीरियस बात कर रहे हैं यार। एंशिएंट मतलब सुपर एंशिएंट पोकेमन, एक सीरियस वाली बात गई नहीं, ये लोग फिर से सीरियस, मतलब कितना कैसे कर लेते हो यार, कभी मजाक के मूड में भी आ जाया करो स्टीवन भैया एंड उसके साथ जो है विलास।
वेल हाँ, हमको याद कर लो याद। अब अगली बार तो मिलेंगे नहीं, बस ऑफ कोर्स हम अगली बार इस गेम में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तुम बताओगे, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को 2.5 के अगर लाइक देते हो तो नेक्स्ट इसका वीडियो नहीं आएगा। मतलब मैं वीडियो लाने के फॉर्मेट में हूँ नहीं, लेकिन हाँ अगर 2.5 के लाइक्स आ जाते हैं तो मैं एक लाइव करूँगा, एंड इसके आगे वाला जो गेम होगा साथ से थोड़ा सा और है वो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन 2.5 के समझ रहे हो ऑफ कोर्स नहीं होंगे, क्योंकि मुझको उम्मीद नहीं है कि मेरा इतना स्लो इंटरनेट वहाँ तक खींच के ले जाए। बल यहाँ पे जीनिया भी आ चुकी है, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बस ये क्लिक कर रहा हूँ। ओके कोई बात नहीं जीनिया, तुमको मैं इस बार नहीं मिला, लेकिन चिंता मत करो, तुमको दिलासा देने के लिए तुम्हारी ये बूढ़ी अम्मा जी हैं जो तुमको बोल के पका देंगे, लेकिन तुम वही करना जो तुम्हारे मन में होगा। येस ऑफ कोर्स, एंड आई एम सो सॉरी कि मैं कुछ नहीं कर सकता यार, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वाह कितना अच्छा डायलॉग दे देता हूँ यार, लेकिन वो सब छोड़ो, मुझको पता मैंने जीनिया की फीलिंग्स को हर्ट किया यार, मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके लिए, क्या ही करूँ मैं। जीनिया कहाँ गई, क्या वो हमारे पास आएगी? आई डोंट नो कि कहाँ जा रही है जीनिया, ये तुमको बाद में ही पता चलेगा। वेल यहाँ पे आ चुके हमारे घर में, एंड हमारे घर में दो मतलब दोनों फैमिली यहाँ पे, समझ रहे हो क्या चीज़ की प्लानिंग चल रही है। ऑफ कोर्स जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं चलेगा यार, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है मेरे दिमाग में यार। थैंक यू मॉम, आपका इतना सपोर्ट रहा, आपने हमको वो टिकट दिया। अरे वो टिकट यार, सो सॉरी डैड, वो टिकट बेकार हो गया, मतलब हमको तो वहाँ पे वो देख लिया हमने, लिटियो नाइट जो था हमने जीनिया के साथ देख लिया, बेचारा वो टिकट तो बर्बाद ही हो गया। चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझको याद नहीं है कि ये गेम 13 के अबव खेल सकते हैं या 16 के अबव खेल सकते हैं, मतलब 13 के अगर अबव खेल सकते हैं तो थोड़ा यहाँ पे सही जा रहा है गेम, लेकिन अगर 16 के अबव खेल सकते हैं तो ये चाहे तो थोड़ा सा दिखा सकते थे अदर सीन। आई मीन यहाँ पे दो फैमिलीज है, ऑफकोर्स एक मेरे तरफ से एक मेरे तरफ से, यू नो व्हाट क्या बात कर रहा हूँ, तुम समझ ही रहे हो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन जाता। वेल चलो ठीक है ओके, यहाँ पे उसके मॉम डैड गए, एंड हमारे मॉम डैड किचन में जाके क्या कर रहे हैं, वो या ऑफकोर्स डैड से बर्तन मंजवाएंगे। ओके ओ भाई साहब, हम यहाँ स्पेस सेंटर में हैं। ओ मैं तुम यहाँ यार, आई नो मतलब बीच में वो जो प्रॉब्लम हो गया, जीनिया आ गई एंड हमारा डेट बीच में कैंसिल हो गया, सो सॉरी। ओ तुम शॉपिंग करना चाहती हो, चलो ठीक है ओके, चलो कहाँ चलना है हमको, लेट्स सी मैन, अब तो कम से कम लास्ट में इसके साथ टाइम बिताने का मौका मिला है हमको। ओके ओ भाई साहब दैट्स प्रीटी ऑसम, एंड यार उसके चेहरे में पिंकिश ग्लो देखो यार, मतलब तुम उसके क्यूटनेस के आगे तुम फेल हो जाओगे, ऑफ कोर्स मतलब तुम सच में फेल हो जाओगे। ओके आई थिंक हमारी डेट कैंसिल नहीं हुई थी, यहाँ पे लिटियो नाइट तो अभी बाकी है यार, अभी मज़ा बाकी है, लेकिन इतना गैप क्यों है, मतलब कुछ है क्या बीच में, इतना गैप क्यों है, किसके लिए छोड़े हुए हैं, अपने पोकेमॉन्स के लिए, मतलब क्यों व्हाई काउस कम ऑन, मैंने ये पहले कभी भी महसूस नहीं किया। ओ आई गेस मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए रोहन। अरे यार थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है यार, मतलब ये पिंकिश ग्लो पे ही तो हम फिदा है तुम पे यार। ओके चलो ठीक है, अब थोड़ा सा देख लिया जाए लिटियो नाइट का स्कार, वो अनाउंसमेंट हो रही है, हाँ जल्दी चालू होने वाला है हमारा लिटियो नाइट, सो आई एम टू एक्साइटेड मैन यार, बस वो बीच का फासला कम कर दो मतलब बहुत खुशी मिलेगी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आई नो ये अभी नहीं हो सकता, वेल देखते हैं मीटियो नाइट शो या फिर हम देख सकते हैं कि नहीं, ऑफकोर्स हमने पहले देख लिया था तो नहीं देख सकते हम आगे अपने घर पे। मैं देखो साथ से ये हमारी लास्ट मुलाकात हो सकती है, आई नो तुम अभी बहुत शौक में हो ये हो वो हो, लेकिन हाँ ये मे भी हमारी लास्ट मुलाकात हो सकती है, या फिर हमारी ऑडियंस चाहे तो हमें मिला सकती है ना, आई डिडंट थिंक सो, वेल सी यू टुमारो, तुमसे कल यार, अब पता नहीं ये कल कब होगा या फिर नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन यस एक बार ज़रूर है, वेल क्या ही बोलूँ मैं। चलो ठीक है मॉम, हम घर वापस आ गए हैं, एंड अब मुझको नहीं पता हम कब जाएंगे, एंड या ऑफ कोर्स दिस वाज द एंड ऑफ पोकेमॉन ओमेगा रूबी डेल्टा एपिसोड्स, आई होप तुमको सीरीज में मज़ा आया हो,
एंड आई नो तुमको फर्स्ट एपिसोड या फिर उसमें मज़ा ना आया हो, क्योंकि उस वक्त मैंने शुरुआत में ही ज्वाइन किया था, लेकिन एंड आते आते आई थिंक मेरी क्वालिटी बढ़ी हो, तुमको मज़ा आया हो एंड सीरीज़ में मज़ा आया, तो इस लास्ट एपिसोड को लाइक कर देना। एंड ऑफ कोर्स इसके बाद हम लोग खेलेंगे पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड, तो उसमें भी आना मत भूलना, जल्दी ही सीरीज चालू होगी मेरे प्री बोर्ड के बाद जो कि 19th को है। वेल, मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिट, ये हैंकी कैसे भीग गया यार, अब धूप में इसको सूखने देना पड़ेगा।